Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. Continuing with the chapter poverty, so the last topic is poverty elevation program a critical assessment. जैसा कि हमने previous video में देखा कि government ने काफी सारे programs लेकर आए थे to eliminate the poverty. So अब वो programs किस तरीके से result ये उनका क्या आ, उनका क्या result आया ये सब हम देखते हैं. So initially Uh, हमने ये चीज़ देखा कि कुछ स्टेट्स में ये जो प्रोग्राम्स थे वो काफ़ी फ्रूटफुल रहे उन स्टेट्स की जो एब्सोल्यूट पोवर्टी थी वो भी कुछ लेवल तक गिरी स्टेट uh, पोवर्टी कम हो गई थी फ्रॉम द नेशनल पोवर्टी मतलब कुछ स्टेट ऐसे थे कि जिनमें पोवर्टी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पर ऐसा था जहाँ पर लोग हंगर्स और माल न्यूट्रिशन इलिट्रेसी लैक ऑफ बेसिक इम्यूनिटीज़ जहाँ पर कंटिन्यू थी और ये बहुत सारे पार्ट्स ऑफ कंट्री में था दो द पॉलिसी टवर्ड्स द पोवर्टी एलिवेशन हैज़ इवॉल्व इन अ प्रोग्रेसिव मैनर जैसा कि हमने देखा कि गवर्नमेंट ने अपने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए थ्री डायमेंशन अप्रोच भी यूज़ किया सो so, ये जो पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम था वो बहुत स्पीड से ग्रो तो हुआ लेकिन आ, कुछ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया कि इतना ज़्यादा एफर्ट्स करने के बावजूद भी उतना ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिला देर इज़ नो चेंज इन द नोम क्लेचर देर इज़ यू कैन फाइंड द चेंज इन नोमनक्लेचर इंटीग्रेशन और म्यूटेशन ऑफ़ प्रोग्राम हमने देखा कि कहीं कहीं पे चेंज था इंटीग्रेशन नोमनक्लेचर और म्यूटेशन ऑफ प्रोग्राम लेकिन उसके बावजूद भी हमें रेडिकल चेंज इन ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में देखने को नहीं मिला मतलब कि इन चीज़ों के बाद जैसे ये प्रोग्राम्स आए तो हमने देखा कि पुअर्स जो थे उनकी थोड़ा सा जो बेसिक नेसेसिटी थी उनकी जो बेसिक इम्यूनिटी थी उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ लेकिन ओनरशिप में कुछ भी चेंज नहीं हुआ प्रोडक्शन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ ओनरशिप मतलब जो लैंड है रिसोर्सेज है वो पहले भी रिच के पास थे और इन सारी प्रोग्राम्स के बाद भी वो लैंड वो रिसोर्स रिच के पास ही है क्योंकि ऐसी कोई स्कीम नहीं लाई गई कि हम वापस से इन रिसोर्स को डिवाइड करें जो भी स्कीम थी वो क्या थी कि हमें पुअर को प्रॉपर फूड प्रोवाइड करना है हमें पुअर को प्रॉपर फैसिलिटीज़ देनी है लेकिन कहीं पे भी इन इसके बारे में बात नहीं हुई कि, कि किस तरीके से हम लैंड को या रिसोर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें प्रोडक्शन में कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिला जो पहले प्रोडक्शन हाउसेस थे वो ही अभी थे सो बेसिकली चेंजेस कहाँ पे हुआ कि पुअर को बेसिक एमिनिटीज मिल रही थी लेकिन अभी भी ओनरशिप में चेंज नहीं हुआ प्रोडक्शन में चेंज नहीं हुआ स्कॉलर्स वाइल असेसिंग दीज प्रोग्राम स्टेट थ्री मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न विच प्रिवेंट देयर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी सारी रिसर्च हुई कि इतने सारे प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करने के बावजूद भी उन्होंने सक्सेसफुली पॉवर्टी क्यों नहीं हटा पाए सो बेसिकली यहाँ पर थ्री मेन रीजंस है फर्स्ट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर एसेट्स जो कि हमने अभी देखा कि सबसे जो जो बड़ा रीज़न है पॉवर्टी एलिमिनेट नहीं होने का वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर एसेट्स द बेनिफिट ऑफ डायरेक्ट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हैव बीन हैोप्रिएटेड बाय द नॉन पुअर मतलब जो पुअर थे उनके लिए था लेकिन उसके बावजूद भी जो नॉन पुअर थे उन्होंने इन सारे प्रोग्राम्स का फायदा उठाया कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पोवर्टी दिसोर्स एलोकेटेड बाई दिस प्रोग्राम इज नॉट सफिशेंट मतलब कि क्या बोल रहे हैं पोवर्टी इतनी है लेकिन जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सिस थे वो इतने थे अब क्योंकि इतनी ज्यादा पोवर्टी है इसी वजह से ये जो रिसोर्सेज है वो बहुत अप्रोप्रिएटली वो बहुत ही अच्छी तरीके से अप्रोप्रिएट नहीं किए जा सके मोर ओवर दीज प्रोग्राम्स डिपेंड मेनली ऑन द गवर्नमेंट एंड बैंक ऑफिशियल्स ये जो सारे प्रोग्राम्स जिनको इम्प्लीमेंट करने हैं वो कौन है गवर्नमेंट और बैंक ऑफिशियल्स राइट अब हमें पता है कि ये जो गवर्नमेंट uh, है या बैंक ऑफिशियल्स है कहीं ना कहीं करप्टेड है या फिर कुछ मोटिवेटेड है कुछ ट्रेंड नहीं है राइट right? सो so, ये सारी चीजों की वजह से गवर्नमेंट और बैंक ऑफिशियल्स इन सारे प्रोग्राम्स को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई देर इज ऑल्सो नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल लेवल इंस्टीट्यूशन इन द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन अब जो लोकल लेवल इंस्टीट्यूशन थे उन्होंने कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया इसके पार्टिसिपेशन में नेक्स्ट यहाँ पे हमने देखा कि भाई गवर्नमेंट तो बहुत बड़ा रीज़न है कि गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ तो बनाई लेकिन वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी राइट right? सेकेंड जो एक और रीज़न है वो ये है कि गवर्नमेंट फेल हो गई उन लोगों को एड्रेस करने में जो पॉवर्टी लाइन के जस्ट अबव है मतलब कि गवर्नमेंट का पूरा का पूरा जो फोकस था वो ये था कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है जो एक्चुअल में पुअर है उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाए लेकिन ऐसे लोग जो पॉवर्टी लाइन के जस्ट अबव है उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया इसीलिए थोड़े टाइम बाद वो भी पॉवर्टी लाइन के नीचे आते गए सेकेंडली जो पुअर पीपल थे वो उनके लिए कभी भी अच्छा नहीं हो पाएगा अगर वो खुद ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीम्स बना रही है कि वो हंड्रेड परसेंट एम्प्लॉयमेंट दे रही है अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है पर पुअर पीपल ख़ुद आगे नहीं आएंगे उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कोई भी प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा सो so, इसके लिए क्या करना चाहिए इसके लिए पुअर पीपल को मोटिवेट करना चाहिए उनको इनक्रेज करना चाहिए कि वो एम्पावर्ड रहे वो पार्टिसिपेट करे अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो वो उनके पास इनकम आएगी स्किल्स आएगी स्किल डेवलपमेंट होगा और हेल्थ और लिटरेसी रेट इंक्रीज होगी सो so, गवर्नमेंट को तो अपनी पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट करना ही है लेकिन साथ ही साथ उन्हें पुअर पीपल को भी मोटिवेट करना है कि वो उन सारी स्कीम्स में पार्टिसिपेट करे। मोर ओवर इट इज़ नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द पोवर्टी स्ट्राइकन एरिया गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पोवर्टी स्ट्राइकन एरिया ऐसी जगह को आइडेंटिफाई करे जहाँ पर पोवर्टी एग्जिस्ट करती है एंड प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर सच सच एज स्कूल्स रोड पावर टेलीकॉम आई टी सर्विस ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूशन राइट ये सारे ये सारी चीज़ों को वो आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पर पॉवर्टी है और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऐसे एरिया पर प्रोवाइड करें ताकि लोग एजुकेट हो ताकि उनकी हेल्थ मेंटेन रहे सो हीयर वी कम्पलीट आर चैप्टर इस चैप्टर को आप अच्छे से थरली रीड करेंगे और आपको एग्जाम्स में वो ही लैंग्वेज लिखनी है जो यहां पर लैंग्वेज दी गई है सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट चैप्टर